हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आते रहेंगी। सो गाइस, आज का भी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक व्यू है। हमें किसी ऑब्जेक्ट के दो व्यू दिए गए हैं, फ्रंट टॉप। इन दो व्यू से हम आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट का ये पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं और साथ में ये भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक साइड का पोर्शन है। तो फ्रंट की जो लेंथ है हमारी वो 60 mm है। इस कॉर्नर से इस स्लॉट की डिस्टेंस 10 mm है और ये भी 10 mm है और यहाँ से ये गैप 10 mm का है। यहाँ से 10 mm ऊपर है स्लॉट और यहाँ से 40 mm इसकी हाइट है। टोटल हाइट जो है 60 है। ये पोर्शन हमारा यहाँ से 40 है और इस 40 से 20 mm नीचे जो टेपर पोर्शन है वो ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट को हम 90 और 30 पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेपर पोर्शन भी ड्रॉ करेंगे। ये पोर्शन हमारा 30 होगा क्योंकि ये 60 है, तो ये प्लस करके 30 mm आएगा। इसे 30 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे हम। सो गाइज, ये स्लॉट होता है जो आइसोमेट्रिक व्यू में 30 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है क्योंकि कॉर्नर्स होते हैं लेकिन ऑर्थोग्राफिक में नहीं दिखाया जाता है। सो गाइज, ये साइड का पोर्शन है जिसकी विड्थ 50 mm है। इस कॉर्नर से हम 50 mm, यहाँ से भी 50 mm, यहाँ से भी 50 mm ड्रॉ करेंगे और इस कॉर्नर से 30 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं। अब ये पोर्शन ड्रॉ करते हैं 40 mm 90 डिग्री पे, 25 mm 30 डिग्री पे। अब ये वाला पोर्शन ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री पे और इसकी जो विड्थ है वो 30 mm है क्योंकि ये टोटल 60 है, तो ये 30 होगी। ये पोर्शन 90 डिग्री पे 20 mm ड्रॉ करेंगे। सो गाइज, ये पोर्शन ड्रॉ करते हैं जो स्क्वायर होल दिया है। इस कॉर्नर से 10 mm और ये विड्थ भी 10 mm है। यहां से 7.5 mm और ये 10 mm और यहां से 7.5 mm, यहाँ से 7.5 होगा और यहाँ से भी 7.5, यहाँ से 10 mm और उससे आगे 10 mm, यहाँ से अपने आप 10 mm गैप आ जाएगा। सो गाइज,
इस प्रकार हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हो गया है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 60 है और ये 10 mm, ये 10 mm, ये भी 10 mm जो यहाँ शो कर रखी है, हाइट 60 है तो ये शो है, यहाँ से ये कॉर्नर 10 mm और स्लॉट की हाइट 40 mm जो यहाँ शो कर रखी है, ये 20 mm है तो यहाँ शो है, ये 40 mm है तो यहाँ शो है, इस कॉर्नर से यहाँ 25 और यहाँ से यहाँ 25 जो यहाँ शो है हमारी, और ये 10 mm, 10 mm और ये 10 mm यहाँ शो है, ये 10 mm, ये शो है। सो गाइज, आप वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। साइड व्यू की जो विड्थ है वो 50 mm है, ये हमारा 25, ये 25, हाइट 40 और ये 20 mm होगी क्योंकि टोटल हाइट 60 है और ये हाइट 20 है, टोटल 25 mm है तो 10 mm लेस करेंगे तो 15 mm, यहाँ से 7.5 mm, यहाँ से भी 7.5 mm होगा। साइड व्यू का जो पोर्शन है हमारा ये रहेगा, ये टेपर पोर्शन है तो कुछ पोर्शन ये भी दिखाई देगा और साथ में ये पोर्शन भी दिखाई देगा और इस होल की डॉटेड आएगी यहाँ, ये स्लॉट भी डॉटेड होगा दोनों साइड से। सो गाइज, साइड व्यू के लिए हम सबसे पहले 50 mm ड्रॉ करेंगे इसकी प्रोजेक्ट से और ये भी 60 होगी। अब ये 40 mm ड्रॉ करनी है तो ये इसकी प्रोजेक्ट से आ जाएगी और ये 25 है तो ये 25 होगी हमारी, ये भी 40 mm होगी और ये हमारी 50 mm होगी। ये टेपर पोर्शन भी दिखाई देगा तो इसकी प्रोजेक्ट लेंगे हम और यहाँ ये ड्रॉ होगा, ये स्लॉट हमारा टॉप से हिडन है तो ये इसकी प्रोजेक्ट से हिडन होगा। ये वाला स्लॉट भी साइड से हिडन होगा तो इसकी प्रोजेक्ट से दोनों साइड से डॉटेड आएगा ये। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।